स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग BPSC मेंस के लिए आस्था का कंप्लीट नोट्स रिव्यू करेंगे। लेटेस्ट कंप्लीट अपडेटेड मटेरियल आ चुका है, ये हिंदी मीडियम में कंप्लीट मटेरियल है। नंबर ऑफ बुकलेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आपको 6 बुकलेट्स मिलेगी जो कि एकदम अपडेटेड है बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से हम लोग शुरू करेंगे, इतिहास, कला एवं संस्कृति से। साथ ही साथ आपको बता दें खान सर का भी क्लास नोट्स अवेलेबल है, पूरा डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा हमने। ये नोट्स है, ये पूरा फाउंडेशन बैच का नोट्स है जिसमें आपको टोटल 9 बुकलेट्स मिलते हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के। तो ये भी नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। ज्ञान बिंदु का भी नोट्स अवेलेबल है, उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो, और ये भी पूरा बंडल आप घर बैठे मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। तो आप इसमें देख सकते हो इतिहास, कला एवं संस्कृति का ये नोट्स, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में टेबल ऑफ कॉन्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट आप आराम से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। कला संस्कृति, बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, ये सब कुछ आपको इसके अंदर में मिलता है। जो जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये सारा आपको इस नोट्स के अंदर में कवर्ड है। ये आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का नोट्स है और इसमें टोटल 6 बुकलेट हम लोग देखेंगे। ये पहला बुकलेट है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट पूरा देख लिया, जितने भी जनजातीय आंदोलन है, मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार के हिस्ट्री है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको इसमें मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बुक किस तरीके से डिजाइन एंड डेवलप्ड है। कला एवं संस्कृति के अंदर में जैसे जैसे आपको सारे टॉपिक्स हैं वो सब आपको कवर्ड मिलता है। साथ ही साथ को इमेज के फॉर्मेट में चीजों को एलाबोरेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया, वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। इस तरीके से पूरा आपको ये नोट्स मिलता है जो डिजाइन एंड डेवलप्ड है। बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है पूरा समराइज फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको सब कुछ मिलता है, जो ताकि आप अच्छे से बेहतर ढंग से आंसर राइटिंग कर सको, इतना कंटेंट आपको इसमें मिलता है। तो इसी तरीके से सारा कंटेंट आपको मिलता है और ये प्रिंटेड फॉर्मेट में है और पूरा जिस तरीके से डिजाइन एंड डेवलप्ड है वो भी आप देख सकते हो कि नोट्स कैसे डिजाइन किया गया है। पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे आपको दिखता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, इसमें आप देख सकते हो अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात की जाए तो प्रस्तावना, नए राज्यों का गठन जो अनुच्छेद 234 है वो भी लेटेस्ट इसमें ऐड कर दिया गया, नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 वो भी ऐड कर दिया गया, प्रवासी भारतीय दिवस, मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो नई शिक्षा नीति, तो सारे अपडेटेड जो भी अनुच्छेद नए ऐड हुए हैं, जो भी नए गवर्नमेंट के स्कीम्स आए हैं, जो भी इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं वो सब आपको इसमें मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का देखिए आप यहाँ पे अनुच्छेद 124 से 147, तो पूरा लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है। उसके बाद भी यहाँ पे कंटेंट यही नहीं, अभी और है, आप यहाँ पे देख सकते हो उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक सक्रियतावाद, राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग, ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट आपको इसके अंदर में मिलता है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, प्रिंटेड फॉर्मेट में पूरा नोट्स है, आप देख सकते हो कैसे कैसे डिजाइनिंग है नोट्स की, नए राज्यों का गठन, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, है ना, संरचना, क्षेत्रीय परिषदों के कार्य, तो ये सारा कुछ आपको इसके अंदर में कवर्ड मिलता है। चैप्टर वाइज जो हमने आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया वो सब मिलता है। आगे बढ़ते हम लोग DI को लास्ट में देखेंगे। आइए ज्योग्राफी देख लेते हैं, इंडिया का ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी, इसके अंदर में आप देख सकते हो पूरा आपको बिहार का भी मिलेगा साथ साथ भारत का भी मिलेगा, खाली कवर से कंफ्यूज मत होइएगा, बिहार एज वेल एज भारत दोनों मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बिहार में प्राकृतिक आपदा है, जो मैंने आपको कहा था बिहार से भी रिलेट करके आपको टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये बीपीएससी है तो बिहार से भी रिलेटेड मिलेंगे और ओवरऑल तो आपका पूरा कवर्ड है। अगर आप बीपीएससी के अलावा भी किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये नोट्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो आस्था का, क्योंकि ये पूरा आपको लगभग 5.5 PCS के लिए, साथ साथ बिहार का भी कंटेंट है लेकिन 5.5 PCS में भी आपको काम आएगा। उसी तरीके से 5.5 चैप्टर्स है और इसमें भी आपको पूरा इमेज मैप देखिए, ताकि आप बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर सको। जब आप आंसर राइटिंग करो तो बेहतर तरीके से आप मैप के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन कर सको, एलाबोरेट कर सको। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप वगैरह सब आपको मिलता है। तो ये आपका इसमें आप देख सकते हो समुद्री तटीय मैदान, द्वीप समूह, है ना, अपवाह तंत्र, और सारा आपका इमेज के फॉर्मेट में सब आपको इसके अंदर में कवर्ड मिलता है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आप देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, टैक्सेशन, सब आपका अपडेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये भी टॉपिक सारे जो है आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे कवर्ड हैं और अच्छे तरीके से सबको एलाबोरेट किया गया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी आंकड़े देख सकते हो, फैक्ट्स देख सकते हो जो जो इसमें डाले गए,
ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट हमने आपको पहले ही दिखा दिया और यहाँ पे आप अंदर के कंटेंट को भी देख सकते हो जो हमने आपको हर बुकलेट्स में दिखाया है। यहाँ उद्योग इंडस्ट्री तो देखो आप यहाँ पे क्या है, मेजर इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या है, उसके बाद मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे और भी चीजों को देख सकते हो, है ना। उसके बाद जितने भी फैक्ट्स है सब आपको मिलेंगे एलाबोरेटेड फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में। रीडेबिलिटी और प्रिंटिंग भी आप देख सकते हो, एकदम चकाचक है, कोई इशू नहीं है। प्रिंटिंग आपको एकदम लल्लन टॉप दिख रहा होगा, जैसा आपको प्रिंट मिल रहा है, जैसा आपको चीजें दिखाई जा रही है वही सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आप जैसे देख सकते हो सेमीकंडक्टर जो अभी लेटेस्ट है जो चल रहा है, सुपर कंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिसमें अभी इसरो ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग देखते आ रहे हैं, आईटी, ये सब कुछ आपको इसमें मिलता है साइंस एंड टेक वाले में। और इस तरीके से आपको पूरा बुक डिजाइन एंड डेवलप्ड ऐसे दिखता है। तो ये हो गया आपका साइंस एंड टेक का बुकलेट, है ना। सब में आपको इमेज के फॉर्मेट में, मैप के थ्रू, जो ज्योग्राफी वाला था इमेज के थ्रू, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन, सभी तरीके से आपको चीजों का एक्सप्लेन किया गया है। जो चैप्टर्स हमने आपको दिखाया वो सारे चैप्टर्स कवर्ड है। अब आइए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। हम लोगों ने टोटल 6 बुकलेट देख लिया, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर में ये सारे टेबल ऑफ कॉन्टेंट आपको मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो कि बीपीएससी के 67वीं, 66वीं, 65वीं के आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो पूछे गए हैं, है ना। बीपीएससी के 53, 55वीं से लेकर 67वीं तक के आपको सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे। आंकड़ा निर्वचन, सारणी, बार डायग्राम, पाई चार्ट, दो वृत्त पर आधारित प्रश्न, मैक्स डायग्राम, लाइन ग्राफ्स, सारा कुछ आपको इसके अंदर में कवर्ड मिल जाएगा। ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ा विवेचन का ये कंटेंट है। आप इसमें देख सकते हो किस तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट, और इसमें आपको क्वेश्चंस भी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि एक न्यूमेरिकल पेपर होता है तो इसमें आपको थ्योरी नहीं लिखना होता है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है एंड देन उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, उसका आंसर किया गया। तो ये था आपका पूरा कम्प्लीट पैकेज जिसमें हम लोगों ने साढ़े बुकलेट्स को देखा। टोटल नंबर ऑफ बुकलेट की बात की जाए तो 6 बुकलेट्स इस पूरे इंटायर नोट्स में थे। आज था आईएएस का पूरा कम्प्लीट मेंस के लिए मटेरियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।